तो तुम लोगों ने अपने बचपन के सुहाने पलों में कभी न कभी हाइड एंड सीक तो खेला ही होगा। हाँ मुझे पता है, कुछ मेरे जैसे महान लोग अभी भी खेलते हैं सिर्फ रिजल्ट के बाद। तो इसीलिए आज मैं बैड बॉल्स के अंदर खेलने वाला हूँ हाइड एंड सीक। और पता नहीं भाई सारी चीजें मैं बैड बॉल्स के अंदर ही क्यों खेलता हूँ। और हाँ भाई 15 नवंबर से पहले वीडियो को लाइक भी कर दो यार, पिछली वीडियो में 1K लाइक्स हो चुके थे, तो क्या इस वीडियो में अंदर भी तुम कुछ कर सकते हो। और हाँ वो लाल बटन जो कि अब सफेद और ब्लैक हो चुका है उसको भी दबा दो भाई। तो भाई हाइड एंड सीक जो मैं खेलने वाला हूँ वो मैं खेलूंगा बैड वॉर्स सोलो और बैड वॉर्स स्क्वाड के अंदर। भाई बैड वॉर्स डुओस के अंदर खेलने के लिए कोई साथ में बंदा भी तो होना चाहिए ना यार, स्क्वाड में भी तो बंदे चाहिए। वीडियो डिलीट चाहिए 15 नवंबर तक। देखो हाइड एंड सीक मुझे खेला ही है तो क्यों ना प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दूं लॉबी से ही, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अरे 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 ब्लू वाला किधर, अरे इसने तो मेरे को लॉबी में ढूंढ लिया भाई। ऑल राइट गाइस, तो सबसे पहले तो भाई हम लोग जा रहे हैं येलो पे रश करने के लिए, क्योंकि भाई इतने सारी टीमों के सामने छुप के फायदा नहीं है। और भाई यहाँ पे येलो वाला क्या कह रहा है, नूब ब्लू यूट्यूबर। भाई ब्लू वाले भाई मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता यार, यार लफड़ा करवाने की पता नहीं क्यों आदत पड़ चुकी है। चलो कोई बात नहीं, पहले ब्लू को खत्म करते हैं, लेट्स गो। ओके ऑल राइट, जो खत्म हो चुका है और अभी ब्लू का बैट लेते हैं। और भाई मैं ब्लू का वेट करने वाला हूँ। ऑल राइट ब्लू आ चुका है और ब्लू को मैंने यहाँ पे ब्लॉक से वाइड कर दिया भाई। वाह मजा आ गया। तो गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ कि भाई मेरे को सोलो में छुपने के लिए भाई मुझे क्या चाहिए होगा, एक वाटर बकेट, क्योंकि भाई वाटर बकेट डाल के मैं बेस के नीचे छुपने वाला हूँ। भाई कंटेंट के लिए कहाँ कहाँ नहीं छुपना पड़ता यार। देखो गाइस मैं मिड पे तो आ चुका हूँ यहाँ पे हाइड एंड सीक खेलने के लिए, लेकिन भाई वहाँ पे येलो वाला बंदा कैसे ब्रिज करते हुए आ रहा है यार। हो सकता है कि भाई येलो वाला बंदा वो हो। ओके येलो मिड पे आ चुके हैं। ओ ओ हाँ भाई ये वही है। देखो भाई येलो वाले ने मुझे मार तो दिया, लेकिन भाई मैं उसको अपना बैट नहीं तोड़ने दूंगा यार, इसलिए मैं लगाऊंगा यहाँ पे एन स्टोन। ये वाला एन स्टोन एवेंजर्स के इन्फ्रा स्टोन से भी बेटर है। ऑल राइट येलो बेस पे आ चुका है, आजा, अरे वापस चला जा। देखो भाई ये बंदा भाई एन स्टोन हाथ से तोड़ रहा है यार, भाई क्या हैकर बनेगा रे तू। तू मुझे गलत मत बोल भाई, ये बंदा मेरे बेस पे से रिसोर्सेस कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है यार। अब भाई इसको कौन बताया कि मैं खुद TNT पड़ोसी के घर से किराए पे लेके आता हूँ। एक सेकंड, अरे ये ग्रीन वाला बंदा भाई मेरे बेस पे कैसे आ गया यार। मेरे गणित के हिसाब से तो इसको बेस पे वीडियो खत्म होने के बाद आना चाहिए था, लगता है भाई गणित भी फेल हो गई। अरे मेरे एनस्टोन तोड़ रहा है भाई बंदा। भाई बैट तोड़ देते यार, एनस्टोन क्यों तोड़ रहे हो यार, क्या मतलब बिना एनस्टोन तोड़े बैट नहीं टूटता। एपिक भाई बिग फैन। चलो यार एक वाटर बकेट दोबारा से ले लेता हूँ भाई, छुपना भी तो यार, कंटेंट भी तो बनाना है। थैंक यू बोले से घर थोड़ा चलता है, माय रोल मॉडल इज यू। तो भाई चलो यार वापस से मिट के ऊपर चलते हैं और भाई एक कॉर्नर को ढूंढते हैं। कॉर्नर क्यों ढूंढ रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई मेरे को वहाँ पर जाके वोट डालना है और आई थिंक ये वाला सबसे बेस्ट कॉर्नर है यहाँ पे, वो बंदा मेरे को नहीं ढूंढ पाएगा शायद से, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे फिलहाल क्या करना होगा कि यहाँ पे वाटर के साथ साथ नीचे जाना है और यहाँ पे ब्लॉक्स के साथ ब्लॉक्स को नीचे लगाते हुए जाना है, कुछ इस प्रकार से। हाँ बस ऑल राइट, तो चलो एक और ब्लॉक लगाते हैं। अरे अरे भाई मेरी पानी के अंदर सांस फूल गई यार, अरे बाहर निकालो यार मुझे फटफट से। तो चलो लेट्स गो नीचे चलते हैं। अरे बच गया वरना भाई नीचे जाता सीधा। तो देखो यार अभी मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन भाई अब मुझे सेंटर पे जाना है। मेरे को सेंटर पे क्यों जाना है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। बंद करो भाई, ग्रीन कह रहा है वीडियो में शाउट आउट देना। अब भाई ग्रीन वाले को कौन समझा कि वीडियो का कंटेंट ही पूरा ग्रीन वाला है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सेंटर पे आ चुका हूँ, अब भाई कंपास लेके भी मेरे को ढूंढेगा ना तो भाई कंपास भी पागल हो जाएगा। भाई यहाँ पे तो अंधेरा मेरे फ्यूचर से भी ज्यादा हो रखा यार, लाइट वाले भैया लाइट चला दो यार। ऑल राइट गाइस, तो तुम लोग देख सकते हो कि भाई ग्रीन वाले बंदे का यहाँ पे नेम टैग मेरे को ऊपर दिख रहा है, यानी कि उसको पता चल चुका है भाई कि मैं नीचे हूँ। अब शायद से उसके पास कंपास होगा या फिर कुछ ऐसी चीजें होगी जिससे उसे पता चल गया कि मैं भाई इसके नीचे छुपा हूँ। देखते हैं भाई अब ग्रीन वाले बंदे का क्या रिएक्शन रहता है। भाई नीचे कैसे गया, भाई मैं ऊपर हूँ यार, मैं नीचे नहीं गया भाई, मैं ऊपर हूँ यार। नहीं तुम्हारा नेम टैग दिख रहा है यार, मैंने क्राउच नहीं कर रखा था यार। एक्चुअली मैंने यहाँ पे भाई ग्रीन वाले भाई मैं यहाँ पे जादू को ढूंढने आया था यार, मैं यहाँ पे जादू को ढूंढने आया था ब्रो। जादू दूसरे यूनिवर्स पर है न, ये कैसे हो सकता है ब्रो। हम दोनों ने एक ही किताब पढ़ी थी,
मगर ये सबक तूने कहाँ से पढ़ लिया मेरे भाई? और यहाँ पे भाई ग्रीन वाला बंदा का नेम टैग भाई नीचे गया भाई नीचे, भाई ग्रेविटी, अच्छा मेरे को लगा भाई ग्रेविटी के साथ खेल रहा है भाई। मैंने ग्रीन को बो मारा यार, लेकिन भाई वो नीचे नहीं गया यार। अब भाई वो पक्का नीचे आके मुझे ऊपर भेजने की कोशिश करेगा। खैर मुझे बस अभी फायरबॉल के अलावा कुछ और दिख नहीं रहा है, और भाई ग्रीन वाले का नेम टैग दिख रहा है। मैं इसको फायरबॉल मार के नीचे गिरा सकता हूँ, लेट्स गो। अरे मैंने कुछ ज्यादा जल्दी फायरबॉल फेंक दिया यार, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है भाई कि अब मेरे साथ कुछ होने। दिल का कोई टुकड़ा कभी दिल से जुदा होता नहीं। ऑल राइट गाइस, तो एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ, और अब की बार बैड वॉस कोर्ट के अंदर। तो भाई बैड वॉस कोर्ट के अंदर यार मैं किसी बेस के नीचे नहीं छू सकता भाई, क्योंकि इसमें होते हैं तीन भाई और तीनों ही होते हैं तबाही। चलो एक टाइम के लिए मान लेते कि भाई तुम लोग बेस के नीचे छुप गए, ये लोग भाई इतने बेकार है कोई देखने भी नहीं आएगा। अगली वीडियो में तुम्हें कंकाल मिलेगा भाई, उसमें से भी मुंडी निकाल चुकी होगी। इसीलिए भाई लोग मैं कलेक्ट करने वाला हूँ एमरल्ड, और बन जाऊंगा इनविजिबल मैन, और उसके बाद मैं बैड के अंदर छुप जाऊंगा। तो अभी एक भी एमरल्ड नहीं मिल रहा, तो मैं चलो बेस पे चलता हूँ वापस। अरे मेरे बेस पे जाने का नाम सुनते भाई ये लोग डिस्कनेक्ट क्यों हो गए यार, लगता है भाई ये लोग भी जियो वाले हो गए। इससे पहले कि कोई दो एमरल्ड मुझसे छीन के भाग जाए, मैं भाई वापस बेस पे जा रहा हूँ। राइट, तो मैं खरीदने वाला हूँ यहाँ से कुछ टूल्स और एक इनविजिबल का पोर्शन। तो भाई देखो यार मेरा फेवरेट कलर ना यहाँ पे ब्लू है, इसलिए मैं ब्लू के बैट में छुपने वाला हूँ। आई होप किसी ने मेरे को इनवी पीते देखा नहीं। अरे नहीं देखा भाई, नहीं देखा यार, नहीं देखा भाई, किसी ने कुछ नहीं देखा। तो चलो भाई चलते हैं फटाफट से ब्लू के बेस के ऊपर। आई होप कि भाई इन लोगों ने ना देखा हो, बस ब्लू वालों ने देखा ना हो, और तो क्या कह सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे एंडस्टोन तोड़ के उसके अंदर छुपना होगा, लेकिन भाई ये ब्लू भाई उसको पता चलेगा यार भाई, इनको कैसे पता चला भाई, किसने बताया भाई इन लोगों को यार, किसने बताया भाई। मेरे को एक काम करना होगा, चलो ट्राई करने में क्या जाता है भाई, ये वाला ब्लॉक तोड़ते हैं और इन वाले ब्लॉक को तोड़ के भाई फिर यहाँ पे छुप जाते हैं। तो चलो तीन ब्लॉक ले लिए मैंने, और तीन ब्लॉक को यहाँ पे लगाते हैं ऐसा करके, कुछ ऐसा करके। अरे भाई मैं दिख रहा हूँ, भाई मैं दिख रहा हूँ यार, भाई पोशन ने धोखा दे दिया यार, पोशन खत्म हो गई। ऊपर कितने बंदे आ रहे हैं? ऊपर एक बंदा आ रहा है, चलो एक आधे बंदे से तो हम लोग लड़ सकते हैं। अरे बैट भी अभी जाना था यार भाई, बैट टूट जाने के बाद पता नहीं मेरे को क्या हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, एक और ब्लू वाला बंदा यहाँ पे वापस से आ रहा है, और अभी मैं इसको मार सकता हूँ क्योंकि ये भी अकेला वापस से आया है, और लेट्स गो। और ये कहाँ गिर गया भाई, अब मैं वहाँ कैसे चल जाऊँ। चलो कोई बात नहीं, इसके पास 1.9 हर्ट है ना, तो बस मेरे को इसको एक और शॉट मारना है और फिर ये खत्म। क्या बोलूँ भाई। अबे चल ना साइड हो जा भाई, फिलहाल तो मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास ना तो बैट बचा है ना ही रिसोर्सेज, भाई सब खत्म हो चुका है यार, मेरा सब खत्म हो चुका है भाई। मैंने गलती से बोल के दिया कि मेरा ब्लू फेवरेट कलर है भाई, ब्लू के दोनों बंदे मेरे पीछे पड़ चुके यार, अब मेरे को ऊपर की तरफ ब्रिज करना होगा, लेट्स गो। ओके चलो बच गया भाई, एक ग्रीन वाला बंदा आ गया यार मेरी मदद करने, भाई कभी कभी पड़ोसी भी काम आते हैं यार। तो चलो ब्लू वाले बंदे को यहाँ पे खत्म करते हैं, अकेला बंदा है, लेकिन भाई इसने मेरे काफी ज्यादा अच्छे हार्ट खा लिए, लेकिन कोई बात नहीं भाई होता रहता है तब। तो भाई बैट में छुपने की ट्राई जारी रहेगी अपनी, लेकिन भाई यहाँ पे ब्लू वाला बंदा आ चुका है, तो चलो भाई पहले इसको यहाँ से वापस ब्लू के बेस भेजते हैं। और हाँ भाई मैं सफल हो चुका हूँ, तो मेरे को यहाँ से लेना है भाई थोड़े बहुत एंड स्टोन, क्योंकि भाई पिछली बार मेरे को उनका एंड स्टोन तोड़ना पड़ा था यार, लेकिन अब की बार मैं खुद का अपना लेके जाऊंगा भाई एंड स्टोन, यार टेंशन क्यों लेते तुम। और थोड़े बहुत वो भी ले लेने चाहिए मेरे को, काम आ सकते हैं। तो अब की बार दोबारा भाई मैं ब्लू पे जाने वाला हूँ यार, ब्लू इज माय फेवरेट कलर ब्रो। तो चलो चलते हैं दोबारा से ब्लू के बेस के ऊपर, और अब की बार शायद से ये लोग मेरे को ना देख ले। चलो अच्छा भाई इस वाले बंदे ने मेरे पे ध्यान नहीं दिया, मतलब इनको नहीं पता कि मैं आ चुका हूँ। और भाई इनके बेस पे भी कितने बंदे हैं मेरे को लग तो नहीं रहा भाई, कोई दिख भी नहीं रहा, यानी कि कोई भी नहीं है भाई बेस के ऊपर। चलो यार एक काम करता हूँ, पहले अपने आप को बंद कर लेता हूँ ऐसे, अब किसी को पता नहीं चलेगा भाई कि मैं कहाँ पे। अरे ये उजाला किसने कर दिया भाई, मैं थोड़ी देर के लिए डर गया था भाई कि कोई आ ना गया हो। तो अरे ब्लू वाला बंदा आ चुका यार उधर से, लेकिन भाई मैं ऐसे आवाज़ क्यों निकाल रहा हूँ उनको थोड़ा पता चलेगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक और ब्लॉक लगा देते हैं, अब तो भाई ये लोग मुझे पकड़ भी नहीं सकते यार। भाई बाहर ब्लू वालों ने मेरी तलाश में किसी और को पेल दिया, कितनी मस्त चीज है ना भाई। ग्रीन वाला बंदा कह रहा है व्हाई यू हिट फ्रॉम बिहाइंड, तो भाई जो चीज दिखाओगे वही तो मारेगा ना बंदा। तो भाई कहानी में सस्पेंस आ चुका है, क्योंकि भाई ब्लू के बैट के पास आ चुके हैं, यहाँ पे ग्रीन वाले बंदों ने रेड कर दिया है ब्लू के बेस को, और मुझे लगता है भाई ये ग्रीन वाले बंदे ब्लू का बैट तोड़ सकते हैं, लेकिन भाई इनको मैं ब्लू का बैट तोड़ने दूंगा नहीं यार, मैंने इतनी मेहनत की है भाई, ब्लू का बैट तो मैं तोड़ूंगा भाई। ये बंदा मुझे लगता है ब्लू का बैट तोड़ने के लिए आ रहा है, जैसे उजाला होगा ना वैसे मैं बैट को तोड़ दूंगा, लेट्स गो। मैं रेडी, उजाला हो गया लेट्स गो। ओके भाई मैंने तोड़ा है बैट। अरे ब्लू वाले को लग रहा है भाई ग्रीन वाले बंदे ने बैट तोड़ा है, वो ग्रीन वाले के पीछे भाग गया, क्योंकि भाई वैसे निकल पिट था भाई हम तो यार। देखो भाई दोनों बंदे लड़ रहे हैं, मुझे क्या भाई, मैं तो दोनों को मारूंगा यार, दोनों को मारूंगा। तो पहले भाई नीले को मारते भाई, नीला मेरा फेवरेट कलर। और भाई ग्रीन वाला बंदा, अरे मैं नीचे गिर जाऊंगा यार, क्या कर रहे हो।
बच गया भाई। मैंने यार यहाँ पे बोल लिया था एक, ये मेरे किसी का आया नहीं अभी तक, शायद से लग, क्या पता आप काम आ जाए। यहाँ पे एक भाई ग्रीन वाला बंदा आ रहा है, मैं इसको बो मार के गिरा सकता हूँ क्या नीचे? लेट्स गो ट्राई करके देखते हैं। ये गया बो और एक और बो। अरे भाई वो नीचे गिर गया, लेट्स गो। ओ भाई यहाँ पे एक और ग्रीन वाला बंदा आ रहा है, मैं दोबारा बो मार सकता हूँ। लेट्स गो। ओके ओके भाई दोबारा गया नीचे यार, बार बार ईट एंड रिपीट हो रहा है यार। दोबारा एक और ग्रीन वाला बंदा आ चुका है, इसको भाई ये भी गया नीचे यार। चलो अब की बार सिलेबस में कुछ नई चीज चाहिए, क्योंकि बंदा भाई साइड से नहीं सामने से आ रहा है। कोई बात नहीं भाई, हम लोग सामने सब जगह बो चला देंगे भाई, 10-8 पे बंदा है। चलो एक और बो मारा, लेकिन भाई अभी बंदा अभी तक नहीं गया नीचे यार। मेरे पास एक आइडिया है, इससे पहले चार लोग आके मेरा कुर्मा बनाए, मैं जा रहा हूँ भाई इधर से। भाई मैंने एक और इनवी बाय की है, आई होप सो कि मुझे इनवी पीते हुए कोई पकड़ ना ले। और अभी मैं जाने वाला हूँ यहाँ पे ग्रीन के बेस के ऊपर। मैं तो भाई इनवी हूँ, मुझे कौन ही पकड़ सकता है, कोई पकड़ नहीं सकता भाई मुझे। इनवी पी रखी है मैंने भाई, इसको किसने बताया यार? The